हेलो, हाय, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी मेरे होम टाउन में हूँ। ओनली 3 डेज़ के लिए मैं आई थी और 3 डेज़ का जो रूटीन है मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी 8:30 बज रहे हैं और मेरा नहाना सब कुछ हो गया है और मैं अभी आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को एंड तक देखने के बाद अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक भी कर देना, और इंस्टाग्राम में भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो क्योंकि पापा यहाँ पे अकेले रहते हैं तो चाय पत्ती वगैरह एक कुछ मतलब कम क्वांटिटी में लाते हैं, क्योंकि ज़्यादा लाने से भी ख़राब हो जाएगा और चाय भी पापा कम ही पीते हैं। तो हम सभी रहने से चाय पीने का अलग मज़ा होता है, बट अकेले इंसान के लिए इतना मतलब मन भी नहीं करता है ना। तो इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में लाते हैं। जो भी है मैं उससे चाय बना दूँगी आज। और तो चाय मॉर्निंग में पीना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद जो भी है मॉर्निंग का रूटीन है वो स्टार्ट करते हैं। आफ्टर 3 ईयर्स मैं होम टाउन में आई हूँ, क्योंकि मतलब जो कोरोना आया था तब तो हम लोग कहीं पे भी नहीं गए थे 3 ईयर्स तक। बीच बीच में पापा ही आए थे हम लोगों को मिलने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि हम यहाँ से इतने सारे लोग जाएंगे फिर ट्रेन में वगैरह रिस्क है ना, तो इसलिए पापा ही आए थे। मतलब जब लॉकडाउन था तभी नहीं आए थे, बट कोरोना सब कुछ जब ख़त्म हो गया था, नॉर्मल रूटीन चल रहा था, तभी आए थे पापा। तो अभी मैं आई हूँ होम टाउन 3 साल के बाद, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जहाँ पे आप बचपन से रहे हो, सारा जो आपका जो मतलब इतने साल हमारा जो सारा स्कूलिंग वगैरह कॉलेज वगैरह यहीं पे हुआ है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है होम टाउन आने के बाद, कहीं पे भी रहो। तो अभी हमारे चाय बन गए हैं और मैं अभी पी रही हूँ, और ब्रेकफास्ट में मैं यहाँ पे खा रही हूँ आलू दम दही बड़ा। ये हमारे कटक का फेमस डिश है, पापा लेके आए हैं बॉक्स में हाँ डलवा के, तो वो वाला मैं अभी खाने वाली हूँ। हमारे होम टाउन कटक का आलू दम दही बड़ा फेमस डिश है। आलू दम दही बड़ा, आलू दम तो सबको पता है, और दही बड़ा जो होता है दही भल्ले दही बड़ा, तो उसके साथ मिक्स करके घुघुनी भी होता है, वो सारा मिक्स करके उसमें थोड़ा जो छोटा सेव होता है वो भी डालते हैं, प्याज डालते हैं, धनिया पत्ती डालते हैं, मसाला वगैरह डालते हैं, उसके बाद सारा ऐसे कॉम्बिनेशन में एक अच्छा टेस्ट आता है। तो ये हमारे कटक का फेमस डिश है, तो मैं बहुत ज़्यादा मिस की हूँ, इसलिए मैं आज ये वाला ब्रेकफास्ट में खा रही हूँ। और खाने के बाद लंच का प्रिपरेशन भी करेंगे, और बाहर भी जाना है। 3 डेज़ मैं पूरा बाहर घूम रही हूँ, क्योंकि काम से आई थी तो इसीलिए ज़्यादा घर में रहने का मौका नहीं मिला, बट अगली बार आएंगे तो ज़्यादा दिन रहेंगे। सिर्फ 3 डेज़ के लिए आए हैं, फिर हम 3 डेज़ के बाद मैं और पापा वापस जाएंगे हैदराबाद, पापा मुझे छोड़ेंगे, और उसके बाद वहाँ पे फंक्शंस वगैरह भी हैं तो वो भी अटेंड करेंगे। तो वो सारा हमारा रूटीन है अभी 3 डेज़ के बाद। तो छत पे आ गए हूँ कपड़े सुखाने के लिए, और बहुत ज़्यादा धूप आती है हैदराबाद में, हम जहाँ रहते हैं इतना धूप नहीं आता है, बट यहाँ पे एकदम डायरेक्ट सनलाइट होता है, बहुत ज़्यादा धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। और ये वाला फर्स्ट फ्लोर मतलब सिर्फ इंडिविजुअल हाउस है, कोई भी नहीं रहता है, बस हम ही रहते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला छत। यहाँ पे जो पेड़ आप देख रहे हो ये ड्रमस्टिक का पेड़ है, तो बहुत सारे ड्रमस्टिक यहाँ पे हम लोग खाए भी हैं, बट अभी तो हम नहीं रहते हैं, वैसे पापा भी रहते हैं बट उनका भी काम होता है, तो वो कोई भी लेके जाते हैं ड्रमस्टिक वगैरह। तो ये वाला हमारा छत है, कुछ इस तरह है, बहुत पुराना हो गया है, वैसे जब हम नए आए थे तो बहुत अच्छा था, अभी थोड़ा इतने साल हो गए हैं ना तो ख़राबी हो गया छत। वैसे ये रेंटेड हाउस है, तो इंडिविजुअल सिंगल हाउस है, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पापा भी बाहर जाने से आराम से चाबी भी डाल सकते हैं, अगर कोई रहेगा तो फिर खोलो वगैरह वो सब भी रिक्वेस्ट करना पड़ता है ना।
ये हमारे घर के पास जो एरिया है कुछ इस तरह है, बहुत अच्छे अच्छे नए नए घर बन गए हैं, क्योंकि ये वाला हमारे होम टाउन का डेवलपिंग एरिया है, तो इसीलिए यहाँ पे जो भी घर हैं वगैरह हैं सब नए हैं, मतलब बहुत साल तो हुआ नहीं है, बट कटक मतलब हमारे जो टाउन के अंदर जाने से बहुत पुराने पुराने घर आपको देखने को मिलेंगे, कॉलेज वगैरह भी हैं, तो यहाँ पर मतलब जो इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह हैं यहाँ पर इस एरिया में, और मेडिकल जो नए नए बने हैं यहाँ पर, अभी पहले कपड़ों का शॉप भी नहीं था हमारे एरिया में, बट अभी नया भी लगाया गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि डेवलप हो रहा है पहले से ज़्यादा, मतलब 3 साल में बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, क्योंकि हम लोग 3 साल से आए नहीं हैं तो देख रहे हैं बहुत सारा शॉपिंग मॉल्स भी बन गए हैं, बहुत सारे नए नए शॉप कपड़ों के शॉप भी बन गए हैं। तो मैं और पापा बाहर जाके भी वापस आ गए हैं, और अभी हम लोग करने वाले हैं लंच। लंच में हम लोगों ने सिंपल सा एक करी बना लिया है, और साथ में खीरा भी है, चावल भी है, जो भी कुछ समझ में आया वो सब हम लोगों ने बना लिया है। बहुत भूख लग रही है, अभी टाइम भी 3:30 हो गया है, और ये वाला तवा बैंगन है, साथ में आम भी है, क्योंकि समर का टाइम है, आम तो बहुत ज़्यादा मस्ट है खाने का, है ना, हमें हमारे घर में सबको आम बहुत ज़्यादा पसंद है, और हम लोग चावल के साथ आम खाना पसंद करते हैं। खाली खाली में ऐसे खाने से इतना मज़ा नहीं आता, बट चावल के साथ एक साइड डिश डिज़र्ट के तरह हमें लगता है, तो हम लोग खाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो अंधेरा हो गया है, बट अभी टाइम 6:30 ही हो रहा है, और अभी मैं आ गई हूँ ऐसे ही घूमने के लिए। घर के पास मैंने आपको बताया था ना, शॉप्स वगैरह बहुत सारे लगाए हैं नए वाले कपड़ों के शॉप्स, तो इसलिए मैं जस्ट ऐसे ही घूमने आई हूँ। छोटे छोटे जो ठेले के शॉप्स होते हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा अच्छा वैरायटी ऑफ पकौड़ीज, नहीं तो हमारे जो शाम के टाइम में जो स्नैक्स होता है वो सब बहुत अच्छा मिलता है, बट मुझे हैदराबाद में ऐसे वाले शॉप्स ऐसे वाले ठेले तो मुझे नहीं दिखे हैं। वहाँ पे अलग टाइप का स्नैक्स मिलता है, यहाँ पे अलग, जो भी कहो आपका जो होम टाउन का जो सारे डिश होते हैं वो अनहाइजीनिक भी होते हैं, बट आपको अच्छे लगते हैं क्योंकि आप बचपन से खा के बड़े हुए हों, है ना, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा देखने से ही बहुत अच्छा लगता है, और मैं खाई भी हूँ यहाँ आने के बाद, क्योंकि फिर वहाँ पर जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पर बिग बाज़ार लगाया गया है, तो मैं एक बार आना चाहती थी, पापा ने फ़ोन पे बताया था कि यहाँ पे लगाया हुआ है नया शॉप, तो मैं वेट कर रही थी कब आऊँगी और कब अंदर जाऊँगी, तो वैसे ही घूमने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और घर के पास ही है, बाई वॉक में आ सकती हूँ, तो इसीलिए यहाँ पे 3 फ्लोर्स में है बिग बाज़ार का शॉप, और ये वाला नीचे गर्ल्स का कुछ कुर्ता वगैरह है, और ये वाला सेकेंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर में टॉप्स वगैरह है, सेकेंड फ्लोर में बॉयज़ का, और शायद बॉयज़ का ही है, यहाँ पे किड्स का भी यहीं पे है। फर्स्ट फ्लोर में बहुत सारे वेराइटीज़ ऑफ कुर्तीज़ हैं, और टॉप्स हैं, जीन्स हैं, जो भी सबको पता ही है जो जो लड़कियों के लिए मिलता है, बट मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, बट देखते हैं अगर कुछ अच्छा लगा तो लूँगी, नहीं तो नहीं, इस ऐसे ज़रूरी नहीं है। और ये वाला प्लाजो है, एक बार ऐसे ही मैं ट्राई कर रही थी, थोड़ा ज़्यादा लूज है, अच्छा लग रहा है या नहीं पता नहीं, बट ऐसे ही देख रही थी ट्रायल रूम में जाके, और पसंद आया है, बट देखते हैं लेना है तो लेंगे, नहीं तो नहीं रख देंगे, ऐसे ही मैं टाइम पास के लिए आई थी वैसे। तो ये वाला भी मुझे अच्छा लगा, 2 टाइप्स ऑफ प्लाजोज़ हैं, बट थोड़ा इलास्टिक थोड़ा लूज़ है मेरे लिए, नीचे लूज़ होने से, मतलब नीचे का जो पार्ट है वो लूज़ होने से भी चलेगा, बट ऊपर का पार्ट थोड़ा टाइट होने से अच्छा है ना, तो वो वाला कैंसिल कर दी हूँ मैं। और बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, बट इतने अच्छे नहीं लगे मुझे, मतलब प्राइस भी बहुत ज़्यादा रखा है, तो कुछ नहीं ली हूँ, बस भाई के लिए एक शर्ट ली हूँ, हाफ शर्ट, और मेरी कुकी बेबी के लिए घर में पहनने वाले 2-3 पैंट्स ली हूँ बस। तो हमारे होम टाउन कटक आके मैं पानीपुरी ना खाऊं ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे घर के पास ही पानीपुरी का जो ठेला है यहाँ पे लगाया है, तो
मैं अभी खाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ का जो पानी पूरी होता है, यहाँ पे आलू डलता है बीच जो अंदर, बट नॉर्मली यहाँ पे हैदराबाद में सब्जी डालते हैं, जो घुगनी होता है वो सब्जी के साथ पानी पूरी देते हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बहुत कम जगह में आलू का मतलब मिलता है, तो बहुत ढूंढ ढूंढ के हम खाते हैं, वो भी कम, बहुत कम, साल में एक दो बार बस उतना ही। पर यहाँ पर आलू का जो स्टफिंग होता है यहाँ पर हर जगह हमारे होम टाउन में मिलता है, तो इसीलिए मैं पानी पूरी खाने वाली हूँ। और पापा भी आ गए हैं, ऐसे ही मैं कहाँ पे हूँ क्या कर रही हूँ करके मुझे फ़ोन किए थे, तो पापा भी आए हैं, हम लोग खा रहे हैं। और ये वाला जो स्कूटी है, ये वाला नया स्कूटी है, पहले एक स्कूटी था तो वो वाला हम लोगों ने बेच दिया है, और तो ये वाला नया स्कूटी है। नया स्कूटी आने के बाद मैं एक बार भी नहीं चलाई हूँ, और मुझे स्कूटी चलाने का बहुत शौक़ है। मैं कॉलेज के टाइम में स्कूटी में जाती थी, बट नया स्कूटी आने के बाद मैं नहीं चलाई हूँ। मोमोज़ पैक करवा के तो लेके आई हूँ, बट बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, और शेप तो आप देख सकते हो, शेप कुछ भी बना दिए हैं, बट शेप का कुछ नहीं है, टेस्ट वगैरह भी इम्पॉर्टेंट है, बट टेस्ट भी बिल्कुल भी ज़ीरो मैं दूंगी क्योंकि उन्हें बनाना नहीं आया है। एक्चुअली वो लोकल आदमी है ना, लेडी हैं, तो उनको बनाना नहीं आया है। जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग होते हैं वो मोमोज़ बहुत ज़्यादा अच्छा बनाते हैं। गुड मॉर्निंग, तो मेरा ब्रेकफास्ट भी हो गया है। ब्रेकफास्ट में मैं वही बाहर का ही खाई हूँ, क्योंकि 3 दिन तक हूँ, जितना भी मैं खा सकती हूँ मैं बाहर का ही खाऊंगी। मैं पहले से बता दी थी घर में, मैं घर का बस लंच वगैरह करूँगी, बट ब्रेकफास्ट और डिनर मैं बाहर ही खाऊंगी 3 डेज तक। तो उसके बाद फिर घर का ही खाएंगे ना हैदराबाद जाके। तो अभी पापा मेरे लिए लाए हैं खीर सागर, रसमलाई की तरह दिख रहा है, बट एक्चुअली ये खीर सागर है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मिल्क के साथ बनाया है, और इसमें सब जो आप देख सकते हो छोटे छोटे टुकड़े के बादाम भी हैं, और उसको क्या बोलते हैं, हेलमेट्स भी हैं, नट्स भी हैं, बहुत ज़्यादा यमी है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मिल्क का जो आइटम होता है बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो अभी शाम हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट कुछ शॉपिंग करने। शॉपिंग मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, ग्लास वगैरह लेना है, क्रॉकरी आइटम्स में जो ग्लास होते हैं, तो वो पानी पीने वाला ग्लास हम लेंगे। तो बीच में जो डे था उसमें ज़्यादा कुछ की नहीं हूँ, बाहर ही गए थे, तो इसलिए मैं कुछ दिखाई नहीं हूँ। अभी शाम हो गया है तो फिर से हम लोग फ्रेश होकर बाहर निकले हैं, और आज मैं आपको हमारे होम टाउन का मार्केट दिखाऊंगी, कैसे क्या है सब कुछ बताऊंगी आपको। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और ये वाला फेमस मार्केट है यहाँ पे कटक का, तो बहुत सारे जो पूजा के आइटम्स होते हैं वो सब यहाँ पे मिल जाते हैं यहाँ पे आने से। मैं यहाँ पे आके शॉक हो गई हूँ, क्योंकि कॉस्ट इतना ज़्यादा बता रहे हैं, मतलब मुझे लगा था हमारे होम टाउन में कम मिलेगा, अच्छा क्वालिटी का चीज़ कम प्राइस में मिलेगा, बट यहाँ के बाद बहुत ज़्यादा कॉस्ट बता रहे हैं। मतलब हैदराबाद में भी उतना ही मिल जा रहा है, जैसे कि डी मार्ट जाएंगे या फिर होम सेंटर, होम सेंटर में फिर भी थोड़ा क्वालिटी अच्छा रहता है और ज़्यादा प्राइस रहता है, बट डी मार्ट में और एक दूसरा बिग बाज़ार वो जहाँ पे वहाँ पे जितना प्राइस होता है यहाँ पे भी उतना ही है, मतलब उससे ज़्यादा बता रहे हैं। देखिए आप, होम टाउन में आने के बाद मुझे इतना मतलब पता
पता चल रहा है, देखो रेट इतना बढ़ा दिए हैं, इतना ज़्यादा डेवलप हो गए हैं शॉप्स में भी, छोटे छोटे शॉप्स होते हैं वहाँ पे मैं जाके क्रॉकरी का हम पूछे थे ग्लास वगैरह तो कितना 500 कितना बता रहा था, छोटा सा पूरा शॉप था बट देख सकते हो। और यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो ना, यहाँ पे मेरी बहन का रिसेप्शन हुआ था, और शादी तो बेंगलोर में हुआ था बट यहाँ पे रिसेप्शन हुआ था। और आप अभी जो मार्केट देख रहे हो ये सब कटक का मार्केट है, यहाँ पे बचपन से हम लोग आए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग स्कूल भी जाते थे यहाँ से, बहुत सारे हम लोग घर चेंज हुए हैं। जो रेंटेड हाउस है ना, तो ये ज्योत्सना अलंकार आप देख सकते हो राइट साइड में, ये वाला शॉप मैं बचपन से देखती हूँ बट अंदर कभी गई नहीं हूँ। ये वाला ज्वेलरी शॉप है तो बचपन से मैं देखती हूँ बट अंदर कभी जाने का मौका नहीं मिला है। तो ये वाला जो मार्केट है बहुत ज़्यादा क्लोज है, मतलब हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा क्लोज है, क्योंकि मतलब बचपन से जब हम साइकिल चला के स्कूल जाते थे तो सारा शॉप्स को क्रॉस करके हम लोग जाते थे, तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज अभी थोड़ा ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, मेमोरीज एकदम फ्रेश हो गया है देखने के बाद। तो मैं वही मैं शौक हो गई, तो हमें एक ग्लास का सेट लेना था क्योंकि घर में जो ग्लास का सेट है वो थोड़ा चौड़ा है और पानी भी मतलब कोई भी पानी पीने से गिर जाएगा ग्लास ऐसे है, तो हमें थोड़ा लंबा का चाहिए था। तो हम लोग एक सेट लिए हैं वही लोकल शॉप से, और वहाँ पे जो आप ये सारा मार्केट है यहाँ पे बहुत सारे देखो लेंस कार्ड भी आ गया है, हाँ ये तो पहले नहीं था, 3 साल में बहुत सारे मॉल्स भी आ गए हैं। बहुत ज़्यादा शॉकिंग लग रहा है, हमारा होम टाउन इतना डेवलप हो गया है, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं दिमाग में। तो यहाँ पे अभी हम लोग रुके हैं मम्मी का जो होम्योपैथी मेडिसिन लेने के लिए, तो पापा हमेशा हम होम्योपैथी मेडिसिन यहाँ से लेके हमें भिजवाते हैं, तो आज हम लोग दोनों आए हैं और यहाँ पे ख़रीद के हम लोग जाएंगे होम्योपैथी मेडिसिन लेके मम्मी का जो है। और जो ये रिक्शा आप देख सकते हो ना, ऐसे रिक्शा में हम लोग तीनों भाई बहन स्कूल जाते थे, हमारे साथ और 3 जन भी जाते थे, एडजस्ट करके हम बैठ के जाते थे स्कूल, क्योंकि तब पापा का साइकिल था और मेरा भी साइकिल नहीं था चलाने के लिए, तो पापा का साइकिल में हम तीनों कैसे जाते, तो हम लोग रिक्शा में जाते थे। उसके बाद पापा ने स्कूटर ख़रीद लिया और मेरा भी साइकिल आ गया, तो हम रिक्शा में जाना छोड़ दिए, बट बहुत सारा मेमोरीज मतलब यहाँ रिक्शा को देखने के बाद याद आ गया, हम लोग कैसे रिक्शा में बैठ के जाते थे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मेमोरीज थे, मतलब चाइल्डहुड का जो डेज है वो बेस्ट है। अभी मेरी मम्मी हमेशा बोलती हैं कि ये तुम्हारे गोल्डन डेज हैं, जब हम छोटे थे तो हमें पता नहीं था उसका मीनिंग क्या है, बट अभी पता चल रहा है क्यों मम्मी बोलती थी वो हमारे गोल्डन डेज हैं, क्योंकि वो वापस नहीं आएंगे और वो जो भी मेमोरीज हैं वो सब अभी याद ही कर सकते हैं, बट उसको हम पास्ट में नहीं जा सकते हैं ना, तो बड़े हो जाएंगे स्कूल कॉलेज शादी वो सब होता है, तो इसलिए वही गोल्डन डेज हैं बचपन के जो भी मेमोरीज हैं, तो मम्मी सही कहती है अभी पता चल रहा है। तो अभी हम लोग बिरयानी पैक करा के हम लोग जा रहे हैं घर, बिरयानी जो हम लोग लिए थे वो हमारा पहला जो बिरयानी हम टेस्ट किए थे वही शॉप से किए थे, तो दीपक बिरयानी, तो वहाँ पर हम लोगों ने पैक करा लिया एक पैकेट, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मोमोज भी खाने आए हैं। और तो ये वाला जो शॉप है ये लव मोमोज का शॉप है, ये हमारे पापा के दोस्त का शॉप है, रेस्टोरेंट है, कैफ़े है, कुछ भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, बहुत अच्छा इंटीरियर्स कराया हुआ है, और पापा लास्ट टाइम भी हम आए थे बट वो दूसरी जगह में था, बट ये वाला अभी थोड़ा इंटीरियर में था, वो जो लास्ट शॉप था अभी थोड़ा फ्रंट में आ गया है, लव मोमोज शॉप है इनका, आप फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में, बहुत अच्छे अच्छे मोमोज का वेराइटीज ऑफ मोमोज यहाँ पर मिलते हैं, आप मेन्यू कार्ड में भी देख सकते हो। तो अभी यहाँ पे हम लोग आए हैं टेस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम लोग मोमोज लेंगे, तो अभी ऑर्डर कर दिया है, आएगा तो देखते हैं टेस्ट कैसा होता है। मुझे तो इंटीरियर जो भी एम्बियंस है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मोमोज हमारे आ गए हैं, बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है, वैसे मुझे चिकन पसंद नहीं है बट देखते हैं कैसा टेस्ट होता है, और जूसी एकदम, बाहर में ऐसे हमें बॉइल्ड वाला जो स्टीम करके देते हैं तो वो वाला मोमोज मिलता है, उसके अंदर चिकन रखते हैं स्टफिंग, बट ये वाला जूसी टाइप का है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, स्मोकी, बहुत सारा वेराइटीज़ हैं, बट देखते हैं, चिकन वैसे मुझे पसंद नहीं है तो देखते हैं कैसा होता है। मोमोज का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था और उन्होंने हमसे पैसे भी नहीं लिए तो इसलिए पता था हम लोगों ने एक ही लिया था, क्योंकि वो जान पहचान के है ना, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे खा के आ जाओ, है ना। तो अभी हम लोग खा रहे हैं बिरयानी, अच्छा हुआ एक ही पैकेट लिए, क्योंकि मोमोज खाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा खाने का, बट पता नहीं घूम घूम के आने के बाद टायर्डनेस लग रहा है, सोने का मन कर रहा है, तो इसलिए हम लोग जो भी है बिरयानी वो हाफ हाफ करके खा रहे हैं, और बिरयानी भी अच्छा ही है।
गुड मॉर्निंग। ये तीसरा दिन है हमारे होम टाउन में और अभी हम लोग फिर से बाहर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया है, हम लोग बाहर जा रहे हैं क्योंकि काम से। और अभी आप राइट साइड में देख सकते हो, ये हमारा कॉलेज है। हमारा जो मैं जो भी मेरा प्लस टू प्लस थ्री सब यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, मैं पढ़ी हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेरी बहन भी पढ़ी है। तो हम जब पढ़ते थे यूनिफॉर्म ब्राउन कलर का था, अभी ग्रीन कलर का हो गया है, नीचे वाइट पैंट है, बट हमारा पूरा ब्राउन कलर का था। घर वापस आ गए हैं घूम घूम के। तीन दिन में इतना हम लोग घूमे ना, हर दिन जब वापस आते हैं तो भूख लगता है। और 3:30 से 4 बज जा रहा है और अभी हम लोग खाएंगे लंच। लंच में सिंपल है, वेज है, अचार है, सब्जी है और साथ में हम लोग खाएंगे आम और दाल भी पापा बनाए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। पापा अकेले रह के सब कुछ सीख रहे हैं। पापा को पहले कुछ नहीं आता था बट अभी पूरा एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना रहे हैं। शाम हो गई है और अभी हम लोग वापस बाहर आए हैं क्योंकि हमें कुछ शॉपिंग करना है घर के लिए। कल सुबह हम लोग निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग हैदराबाद के लिए, तो इसीलिए हमें कुछ शॉपिंग करना है यहाँ के जो भी लोकल मार्केट्स हैं। मम्मी सारा लिस्ट बताई हैं। और ये वाला आप जो देख सकते हो, ये वो स्टेडियम है। यहाँ पर बहुत सारे इंटरनेशनल नेशनल मैचेस हुए हैं, यहाँ पर जो धोनी विराट सब आए हैं यहाँ पर। और एक बार मैं गई थी स्टेडियम मैच देखने के लिए, फर्स्ट एंड लास्ट, और उसके बाद कभी गई नहीं हूँ क्योंकि मैं मैच देखी ही नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी थी तभी। तो अभी मैच वहाँ पे बहुत सारे मैचेस होते हैं स्टेडियम में, तो उसके सामने ही यहाँ पे जो स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं। तो यहाँ पे हम लोगों यहाँ पे भी हम लोग आए हैं खाने के लिए। यहाँ पे मोमोस, ये क्या लिखा है, मोमो तंदूरी कुरकुरी मोमो तंदूरी मोमो, तो यहाँ पे ट्राई करने के लिए यहाँ पे रुके हैं। तो बहुत ज़्यादा स्मेल तो अच्छा आ रहा है बट देखते हैं कैसा टेस्ट होता है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पे ट्राई कर रही हूँ मोमोस, तो लुक तो अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी अच्छा ही था। और यहाँ पे बहुत सारे दूसरे वैरायटीज़ ऑफ स्टॉल्स लगे हैं, वेज है, नॉन वेज है, बट आज हम लोग नॉन वेज नहीं खाएंगे, वेज ही खाएंगे। मोमोज़ खाने के बाद अभी हम लोग खा रहे हैं आलगम दहीबरा, क्योंकि आज लास्ट डे है, फिर हमें कल से खाने को नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग खा रहे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे डेगची में बेचते हैं, बहुत ज़्यादा सेल होता है ये आइटम का, तो उड़ीसा में कटक में स्पेशली। तो आप देख सकते हो ऐसे बेचते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बट पापा बता रहे थे यहाँ पे इतना अच्छा टेस्ट नहीं है, दूसरी जगह में और अच्छा मिलता है, बट अभी टाइम नहीं है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं। और ये हमारा डिनर आज का यही है, घर में हम लोगों ने कुछ बनाया नहीं है, जो भी यहाँ पे मिलेगा स्ट्रीट फूड सब खा के घर जाएंगे। हम लोग मिक्सचर खरीदने आए हैं और ये वाला भी हम बचपन से देख रहे हैं, ये शॉप बचपन में बहुत ज़्यादा बड़ा शॉप दिखता था, अभी देखने के बाद बस इतना ही छोटा सा शॉप है ऐसा लग रहा है, क्योंकि शायद हम छोटे थे तो हमें बहुत बड़ा शॉप लगता था, अभी हम बड़े हो गए तो शॉप छोटा ही लग रहा है। मैं अभी वही देख रही थी, सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। तो ये वाला मेन एरिया है, यहाँ से भी हम स्कूल जाते थे, जो लास्ट डे का आपको दिखाई थी वो वाला दूसरा एरिया, और ये वाला दूसरा एरिया बहुत ज़्यादा रश होता है, बट अभी थोड़ा खाली है। जो सामने में बाटा प्रिंट्स, यहाँ से हम चप्पल भी खरीदते थे जो स्कूल के टाइम में, और ये वाले शॉप से मिक्सचर लेते थे। तो अभी हम लोग लेके जा रहे हैं घर के लिए, तो भाई का स्पेशल ऑर्डर था कि यहाँ से मिक्सचर लेके आओ, तो इसलिए हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा छोटा शॉप लगा। और ये वाला जो राशन का शॉप है, ये वाला भी हम लोग बचपन से देख रहे हैं, और यहाँ के जो अंकल हैं हमें पता है, बचपन से हम उनको पहचानते हैं। ये जो सामने में कामनी क्रिएशन है, ये सारे शॉप्स बचपन से ही हम देखते हैं। ये वाला यहाँ पे एक केस भी हुआ था, यहाँ पे हम लोग जब रिक्शा से जा रहे थे, मैं और मेरी बहन, यहाँ पे हम लोग गिर भी गए थे रिक्शा से। मतलब रिक्शा का जो चलाने वाला होता है ना, तो वो आगे वाला अलग हो गया और जो पीछे वाला अलग हो गया, और हम लोग गिर गए, तो रिक्शा वाला भी बहुत डर गया था उस दिन। तो बहुत सारे मेमोरीज है। और ये वाला अभी हम लोग आ गए हैं घर के पास, तो ये वाला डेवलपिंग एरिया मैं बताई थी ना, तो वहाँ पे है। ये वाला अभी हम लोग ले रहे हैं स्वीट्स, क्योंकि यहाँ का स्वीट्स तो बहुत डिफरेंट होता है हमारे हैदराबाद से, तो इसलिए यहाँ का जो लोकल शॉप से स्वीट्स है वो भी हम पैक करवा के लेके जा रहे हैं। पोड़ो पिट्ठा आप शायद सुने होंगे, या फिर गूगल में आप सर्च कर सकते हो, पोड़ो पिट्ठा बहुत ज़्यादा फेमस है उड़ीसा का। तो यहाँ से हम पैक करवा के लेके जाएंगे। और काजू बर्फी या काजू कतली भी यहाँ के हम पैक करवा के लेके जा रहे हैं। और बहुत सारे ड्राई स्वीट्स भी हैं, और बहुत सारे रसगुल्ला गुलाब जामुन भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं वेट कर रही हूँ बाहर, पापा अंदर हैं। पता ही नहीं चला 3 डेज कब हो गया है, कितने जल्दी हो गया है। और अभी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, लंच वगैरह भी पैक करके लेके जाएंगे।
आज का जो दिन है अभी हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं और अभी 6:30 बज रहा है शायद। अभी हम लोग भुवनेश्वर जाएंगे, वहाँ से हम लोग ट्रेन कैच करेंगे। तो ये वाला महानदी है, यहाँ से हम क्रॉस करके कटक टू भुवनेश्वर जा रहे हैं, उसके बाद स्टेशन जाएंगे। तो पैक वगैरह कर लिया है क्योंकि पूरा दिन हम लोग ट्रेन में बैठने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग जाएंगे, उतरेंगे हैदराबाद में। तो बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, पर जाना पड़ेगा, क्या करेंगे। पापा यहाँ पर अकेले रह जाते हैं तो कुछ कर नहीं सकते हैं। आज का जो व्लॉग है यही एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी दूसरे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।